न्यूज 31 भारत। आज छठ पूजा का अवसर पर आज गांव पहुंचे हुए हैं। आज यहां का न्यूज आप लोग को दिखाएंगे। छठ मैया का भी सूरज डूबने का समय है, उसके लिए सब आराधना कर रहे हैं और कामना कर रहे हैं सूरज महाराज का और छठ मैया का। आइए सबको हम दिखाते हैं, दिखाओ इधर से थोड़ा सा और आगे भी पूरा, चारों साइड से लोग आगे आ जाओ, पूरा पूरा दिखाओ। इधर दिखाओ, दिखा रहे हैं अभी सारा। ये हिंदू का पर्व है, ऐसा पर्व कभी बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। आ जा आगे आ जाओ, कैमरा दिखाओ। चाहेंगे यहाँ किसी से कुछ बात करने का भी प्रयास करेंगे। अभी पहले दिखा दे रहे हैं, ये देख लीजिए, ये हम लोग का। कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे। सूरज महाराज का आज बहुत बड़ा दिन है, आज संध्या पहला अर्घ है, बहुत ही लोक आस्था का पर्व ये छठ। आज हम लोग नवाडी में बहुत ही धार्मिक भाव से बहुत क्रोध सभी भक्तजन यहाँ अर्घ दे रहे हैं, संध्या अर्घ बहुत ही कुशलतापूर्वक मना रहे हैं। धन्यवाद। कोई गीत सुनाना चाहेंगे कि आप लोग गीत बहुत गाती है, गाएगी? हाँ, सूरज भगवान का गीत गाएंगे कोई? ये शर्मा रही है यहाँ पे सर। चलिए बहुत अच्छा, और आगे आ जाओ, वो साइड नहीं गए, और ऊपर ऊपर भी दिखाओ थोड़ा सा, उधर उधर भी। आज देखिए, आज यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है सूरज महाराज का। आज हिंदुओं के लिए बहुत खुशी की दिन है। पूरा इधर से दिखाओ, ऊपर भी दिखाओ, ऊपर के लिए सबसे बड़ा पर्व ये है, ऐसा कोई पर्व ही नहीं है। बाकी बहुत ऐसा पर्व आता है, लेकिन ये हिंदू के लिए ये पर्व जैसा महत्वपूर्ण पर्व नहीं है। ये सूरज महाराज का भी है, छठ मैया भी है, दोनों का भी सूरज डूबते सूरज
कर रहे हैं सब। जय छठ मैया। चलो थोड़ा सा इधर इधर दिखाइए। ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ का गांव का ही सिर्फ है, हर गांव का यहाँ पे लोग आते हैं, प्रसाद लेते हैं, लोग आते हैं और सब लेते हैं। यहाँ पे जितने आजू बाजू का गांव है सब बच्चे सब आते हैं, बड़े भी आते हैं, सब यहाँ से प्रसाद लेकर के जाते हैं। दिखा थोड़ा सा। थोड़ा सा आ जाओ मंदिर तक, थोड़ा मंदिर भी थोड़ा सा उसका भी सीन दिखा देते हैं। आ जा लेते हुए आगे का मंदिर का सीन दिखा रहे हैं। दुर्गा जी का भी मंडप है यहाँ पे और मैदान भी है और बजरंगबली का मंदिर भी यहाँ पे है। ये तो कॉलेज आपको दिखाया। गांव चला गया है उधर, ये गांव का सीन है। ये हम बजरंगबली का मंदिर हम घुस रहे हैं। आ जाओ कैमरा आगे आ जाओ। बजरंगबली का मंदिर दिखा रहे हैं आपको। बजरंगबली का मंदिर है। ये शिव जी का मंदिर है। ये देखिए सब इधर से गांव का रास्ता है, आप लाइट इधर से देख सकते हैं। और ये मैदान है, यहाँ पे हर साल काली का पूजा होता है और बहुत बहुत ज़बरदस्त भीड़ होता है इस जगह पे। आपको ये काली जी का भी मंदिर आपको हम दिखा रहे हैं। ये मैदान में बाहर बाहर से लोग यहाँ पे फुटबॉल है मैच खेलने के लिए आते हैं, तो कोई प्रोग्राम बच्चों का रहता है, कोई स्कूल का, वो भी यहाँ पे होता है। लोग यहाँ पे 18 कोस से लोग आते हैं यहाँ इस जगह पे। दुर्गा जी का थोड़ा सा पूरा ऊपर लिया। ये देख सकते हैं दुर्गा जी का मंदिर है और यहाँ पे जानकर यहाँ से ये पूरा खाली आपको मैदान दिखाया पहले ही। लोग आते हैं यहाँ पे और ये बजरंगबली का मंदिर का सीन था। और यहाँ पे जो प्रसाद बना हुआ है, ये प्रसाद सब लोग यहाँ पे देखिए बैठे हुए खा रहे हैं। बहुत लोग यहाँ से ले करके भी गए
यहाँ से ले करके भी गए, यहाँ से सब आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, जिसको यहाँ पे खाना है वो बैठ करके खाते भी हैं। ये मंदिर का भगत जी हैं, इनसे हम कुछ पूछना चाहेंगे। आप यहाँ पे कितना साल से हैं सर? मैम मैं यहाँ पर 80 से रहता हूँ, सन 80 से अभी तक यहाँ रहा। और यहाँ पे आपका देखभाल? यहाँ पर सब हमारी जनता देखभाल करती है, हमारा यहाँ आकाश वृत्ति है, सब हमारी जनता मिल करके सब हमारा देखभाल करते हैं। जितने यहाँ की जनता जनार्दन हैं उन्हीं के बल पर मैं रहता हूँ। आज या ये 96 में इसको मैं प्राण प्रतिष्ठा हुआ इसका, इस मंदिर का 1996 में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, और तब से अभी तक इस मंदिर का कार्यक्रम चल रहा है। सब जनता जनार्दन के बल पर यहाँ चलता है, यहाँ कोई ये नहीं है, कोई स्रोत नहीं है जो कोई खेती बाड़ी और कोई दूसरा ये हो, ये आकाश वृत्ति वाला स्थान है, आकाश वृत्ति से चलते रहता है। यहाँ पे देखिए सब हर जगह आपको हरा भरा मिलेंगे। थोड़ा सा कैमरा घुमा करके दिखाइए इधर, इस तरह आपको 12 महीना तक इसी तरह हरा भरा जगह मिलेगा आपको यहाँ।